नमस्कार दोस्तों, रोहित टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि में जिसकी तिरोही किस्त नहीं आई है, जिसकी पीएम किसान सम्मान निधि में लैंड सीडिंग नो है, जिसके पास ज़मीन दिख रही है, आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसमें दिख रहा है कि आपके पास ज़मीन नहीं है, लैंड सीडिंग नो है, तो उसको हम कैसे सही करेंगे और इसका सही करने का तरीका क्या है, इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको वीडियो समझ में आएगा, तब आप इसको कर सकते हैं। और आपको किसी के माध्यम से किसी को पैसा नहीं देना है, आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आपका पैसे पेमेंट नहीं आएगा और आप परेशान रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि पूरा वीडियो आप प्रोसेस देखिए, इसमें क्या कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना है। तो हमने पीएम किसान सम्मान निधि का साइट खोला है, उस पर देखिए, इस पर है बेनिफिशरी स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं और ये आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर रहे हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट गेट डाटा पे क्लिक करना है। ये कैप्चा कोड गलत हो गया है, हम फिर से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने गेट डाटा किया, यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल खुल गई। अब इसमें देखिए कि क्या दिक्कत है कस्टमर की, तो इसमें आपको पूरी डिटेल दिख रही है, क्यों नहीं पेमेंट इनका आ रहा है, तो इनके में रीज़न क्या है, लैंड सीडिंग नो है, जो इनकी लैंड सीडिंग है वो नो दिख रही है। इसको हम कैसे सही करेंगे, इसको सही करने का तरीका क्या है, इसके लिए हम आपको जानकारी दूंगा। तो आपको यहाँ पे देखिए लैंड सीडिंग नो है, तो इसको सही करने के लिए ये देखिए जो लैंड सीडिंग नो है, ये है, ये लैंड सीडिंग नो दिख रहा है, तो इसको हम कैसे सही करेंगे। इसको सही करने के लिए आपको अपने तहसील जाना होगा, वहाँ से अपने जो गाँव के जो लेखपाल होते हैं, आपके क्षेत्र के जो आपके मौजे के लेखपाल होते हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा। उनसे आपको बताना होगा कि हमारे पास ज़मीन है और हमारा इसमें डाटा में लैंड सीडिंग नो हो गया है, तो हमें इसे सही करवाना है। तो आपको वही तहसील में एक फॉर्म मिल जाएगा, किसान सम्मान निधि का फॉर्म मिलेगा, आप वहां से पूछ लीजिएगा हमें अपनी ज़मीन दिखानी है, तो वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को लेखपाल के पास लेके जाना है और उनसे उस पर रिपोर्ट लगवाना है कि हमारे पास ज़मीन है। उसके बाद उस फॉर्म को और आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी, तीनों चीज़ लगा के आपको अपने कृषि विभाग, जो आपके क्षेत्रीय कृषि विभाग हैं, वहाँ पे लेके जाके जमा करना है। उसके बाद 2-4 महीने लगेंगे, आपके पेमेंट आने शुरू हो जाएंगे, आपको इसमें टाइम लगेगा। ये जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं ये सबसे सटीक और सबसे अच्छा प्रोसेस है, नहीं आपको किसी दलाल से मिलना है, ना किसी से मिलना है, नहीं तो आपका पैसा लेके इधर कहेंगे आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, नहीं आएगा। इसके लिए आपको मैंने बहुत सही तरीका बताया है, तो आप इसी तरीके से आप काम करिए और आपका काम हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।